खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर से है, जहां तहसील अंतर्गत आज दिनांक 12 अप्रैल 2021 को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सैदपुर तहसील में क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की गई। महोदय द्वारा प्रत्याशियों से अपील की गई कि चुनाव के दौरान वोटरों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दे। प्रत्याशियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रचार करने की अपील की गई। किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को डराने एवं धमकाने की शिकायत मिलने पर महोदय द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। महोदय द्वारा वोटरों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव की रिपोर्ट। मंदिर है, उसमें भी बता दिया गया है सभी को जो निर्देश है कि बंद भाग में 50 आदमी, कोई भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक या किसी भी प्रकार का आयोजन बिना पार्टीशन के होना ये चीजें संबंधित है। आगामी तीसरी पंचायत चुनाव में आप लोग सभी लोग प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं, तो सभी कोई भी जुलूस कोई भी मुद्दा सभा बिना पार्टीशन के लगा सकते हैं और कोविड-19 को दृष्टि में रखते हुए आप किसी प्रकार के जुलूस या किसी प्रकार की मीटिंग या किसी प्रकार की सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मानी चाहिए किसी प्रकार का आप ऐसे कार्यक्रम किसी गिफ्ट कार्यक्रम या शराब का मौसम का उनके लिए से उत्पादित है। शराब के संदर्भ में आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर कहीं भी शराब का दुकान पाया जाए तो जिस संस्था को दुकान होगा जिस भाग में जिस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को सील कर दिया जाएगा और जो लोग इसमें संलग्न होंगे उनको रोकी किया जाएगा। उनके व्यक्ति को अपना पूरे दिन पड़ना है और भी मेहनत सौंपने के लिए अपराधिक उसमें किसी व्यक्ति को डालना है। चुनाव के दिन सबसे बड़ा काम होगा जो पूरे दिन होंगे उनकी वीडियोग्राफी होगी, उनकी व्यक्ति को चुनाव की प्रक्रिया में अपने जो है पुरस्कार या ग्राम पंचायत या डीडीसी उपभोक्ता के समक्ष रखते हैं, सामान्य लोग से रखते हैं, प्रचार करें, अपनी बातें रखें, जिससे ग्रहण होगा, पीड़ा अच्छा होगा, प्रचार अच्छा होगा या फिर